नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं दोस्तों लर्नर सड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस किया था। ओके, और दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में। ओके, पीएचयू में कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ किया जाता है, डिस्ट्रक्टर कैसे यूज़ किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, उन सभी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टर होता क्या है, क्लास का नाम जो होता है और कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है दोस्तों वो सेम होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये भी होता तो एक फंक्शन ही है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है। नॉर्मल क्या होता है दोस्तों, हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, लेकिन हमें कंस्ट्रक्टर को दोस्तों कॉल नहीं करना पड़ता है। कॉल नहीं करना पड़ता है, आप जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर जो होता है दोस्तों वो खुद ही कॉल हो जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ पर अब आगे हम लोग आगे बात करते हैं। दूसरा जो लाइन लिखा हुआ है देख पढ़िए, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड बिकॉज इट्स नेम इज सिमिलर टू द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्स एन ऑब्जेक्ट विल बी इनिशियलाइजिंग। ओके, इट इज जनरली पब्लिक, इसको पब्लिक ही रखते हैं। ओके, ताकि क्लास के बाद इसे एक्सेस कर सकें। ओके, और चलिए इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर स्क्रीन पर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया है, एक क्लास ए क्रिएट किया है और इसके अंदर मैंने टेस्ट ए, ये हमारा हो गया दोस्तों नॉर्मल फंक्शन। और उसी के ठीक नीचे देखिए मैंने यहाँ पर एक लिखा है फंक्शन और ए। देखिए क्लास का नाम और ये जो फंक्शन का नाम सेम है, तो दोस्तों ये हमारा क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसको आप बोल सकते हैं DEFAUT, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, CONSTRUCTOR, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके दोस्तों, दिस इज यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए। अब कैसे कॉल करना है दोस्तों, जैसे ही आपने ये लाइन लिखा, ओके दोस्तों ये लाइन लिखते ही क्या हो गया, ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ओके दोस्तों, लेकिन नॉर्मल मेथड को यानी टेस्ट ए को देखिए, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के साथ दोस्तों कॉल करना पड़ रहा है। तो सबसे फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ करने का, आपका एक स्टेप दोस्तों सेव हो गया, आपके प्रोग्राम का परफॉर्मेंस जो है दोस्तों वो इनहेंस हो गया, वो इंक्रीज कर गया। ओके, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको दोस्तों यहाँ पर हो रहा है कि आपके प्रोग्राम का परफॉर्मेंस क्या हो रहा, बढ़ गया है। ओके, और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का जो था समय वो भी ये कंस्ट्रक्टर ने कर दिया है दोस्तों। ओके, चलिए इस चीज़ को पहले हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं और थोड़ा एक इमेज दिखाता हूँ दोस्तों, इसको टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। चलिए, मैंने एक इमेज प्रिपेयर किया है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसा कि मैंने लिखा है स्क्रीन पर, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फंक्शन, लेकिन ये स्पेशल फंक्शन होता है। इसके टाइप की अगर बात करें दोस्तों तो वो दो होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर भी दो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है प्रीडिफाइंड कंस्ट्रक्टर। प्रीडिफाइंड कंस्ट्रक्टर के लिए आपको दिया गया दो बार ये अंडरस्कोर है दोस्तों। ओके, कंस्ट्रक्ट लिखा गया है तो कंस्ट्रक्ट जो है ये प्रीडिफाइंड कंस्ट्रक्टर है, और ये जो दोस्तों है आपका यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का जो है जो नेम होता है, कंस्ट्रक्टर क्लास नेम इन यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर क्लास नेम विल बी यूज्ड। ओके, यानी हम जो यूजर डिफाइंड होगा उसमें क्लास का जो नाम होगा वही हम कंस्ट्रक्टर के लिए यूज करेंगे दोस्तों। और ये दो टाइप का होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर या फिर इसको आप आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं दोस्तों, और दूसरा जो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके दोस्तों, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये प्री डिफाइंड में होता है सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्ट, इसके अंदर भी अगर पैरामीटराइज्ड भी हो सकता है और नॉन पैरामीटराइज्ड भी हो सकता है दोस्तों। ओके, अब चलिए छोटा सा पहले इसको हम लोग एक प्रोग्राम से समझते हैं दोस्तों। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा पहले प्रैक्टिकल करते हैं छोटा सा, उसके बाद फिर लौटेंगे हम लोग। तो हमने क्या किया, एक नया फाइल ले लेते हैं दोस्तों, फाइल और इसको सेव कर लेते हैं। ओके, लर्नर सड्डा के अंदर ही दोस्तों सबसे पहले आप ज़रूर चेक कर लें क्या आपका सर्वर स्टार्ट है या नहीं। जैसे मैं चेक कर लेता हूँ मेरा सर्वर स्टार्ट है कि नहीं, तो दोस्तों मेरा देखिए यहाँ पर सर्वर क्या है दोस्तों, स्टार्ट है। ओके, अगर आपका दोस्तों सर्वर अगर स्टार्ट नहीं है तो सबसे पहले दोस्तों आप सर्वर को स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज़ क्या होगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए, तो ये ध्यान रखना है कि आपको सर्वर पहले से स्टार्ट होना चाहिए, और अगर नहीं है तो स्टार्ट कर लीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे स्टॉप दिख रहा है, मतलब हमारा सर्वर स्टार्टेड है। ओके, मुझे स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सेव कर लेते हैं और नाम दे दिया कंस्ट्रक्टर, तो CONS। ओके, और .php और हमने सेव कर लिया इस फाइल को लर्नर सड्डा के अंदर। अब मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर एक क्लास बनाया CLASS क्लास,
ऐसे नहीं दोस्तों, पहले PHP का एनवायरनमेंट, PHP, और यहाँ पे हमने लिखा CLASS क्लास ए लिखा, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया functcution फंक्शन test a, ओके दोस्तों। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे क्या किया, इट इज़ अ नॉर्मल मेथड, मैंने एक मैसेज दिया echo इको डबल कोट्स के अंदर, यहाँ लिखा br और लिखा इट इज अ ओ आर एम ए एल नॉर्मल etchod मेथड या फिर फंक्शन, ओके ऑब्लिक फंक्शन लिख देता हूँ, functcion फंक्शन, ओके दोस्तों मेथड बोलिए या फिर फंक्शन बोलिए एक ही बात है। और दोस्तों मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कैसे बनाएंगे, functcion फंक्शन और ए, ओके दोस्तों। तो और मैंने यहाँ लिखा इको echo इको, और इसके अंदर मेथड लॉजिक लिख दिया, इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इट इज अ defau डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर constructor, ओके सर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने ये भी लिख लिया। और अब मैं इसे कॉल करता हूँ, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो डॉलर मानते हैं हमने एम लिया इज इक्वल टू NAW न्यू और यहाँ पर ए, ओके दोस्तों हमारा ये बन गया। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे, अगर आपने इतना लिखा है तो आपका क्या हो रहा है, आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है, यानी अभी क्या लिखा होगा, इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगर अभी आप रन कराएंगे इस प्रोग्राम को। तो चलिए रन करा के देखते हैं, हम लोग आ गए स्क्रीन पर और हमने लिखा यहाँ पर CONS cons डॉट PHP इंटर, तो देखिए आ रहा है इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जबकि देखिए आपका नॉर्मल मेथड को अभी हमने कॉल नहीं किया है, तो वो कॉल भी हुआ भी नहीं है, ओके। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है दोस्तों, यही चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है कि कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल नहीं करना पड़ता है, वो खुद ही कॉल हो जाता है, ओके दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे, लेकिन नॉर्मल मेथड को आपको कॉल करना पड़ेगा, ओके ठीक है। तो मैंने क्या किया, नॉर्मल मेथड को कॉल करना है, तो डॉलर एम और यहाँ पे एरो साइन और टेस्ट ए test a हमने कॉल कर लिया दोस्तों। तो अब दोनों ही आ जाएगा आउटपुट पे हमारा, ओके। तो हम चलते हैं ब्राउजर पे और रन कराया, देखिए दोनों ही नॉर्मल मेथड भी कॉल हो रहा है और कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है दोस्तों। दूसरा जो कंस्ट्रक्टर टाइप होता है दोस्तों, वो होता है पैरामीटराइज्ड, तो इसी को मैंने यहाँ पर कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल भी और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल पास कर दिया डॉलर age, ओके। और मैंने लिखा इट इज़ अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इट इज़ अ PARAETERISED पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर br भी लिख दिया, फिर इको डबल कोट्स के बाद यहाँ पे YOUR योर एज, फिर यहाँ पर डॉट डॉलर एज। अब दोस्तों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आर्गुमेंट है तो हमें आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, ओके दोस्तों। तो मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, कंट्रोल सी, ओके। यहाँ पर अब हमने यहाँ पे कंट्रोल वी किया, अब देखिए आएगी एक प्रॉब्लम, क्या आएगी प्रॉब्लम, अभी थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या आएगी। यहाँ पर मैंने दे दिया 30 दे दिया, ओके। और यहाँ पर मैं एन दे देता हूँ, ओके दोस्तों। अभी क्या प्रॉब्लम आएगी, आइए इस चीज़ को हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर गए, रिफ्रेश कराएं और यहाँ पे देखिए कैन नॉट री डिक्लेयर, यानी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोल रहा था कि यहाँ पे आएगी एक प्रॉब्लम, यानी आपने यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्टर को दोस्तों ओवरलोड करने की कोशिश की है। और पॉलीमॉर्फिज्म वाली वीडियो अगर आप दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इससे पीछे वाला वीडियो जो है वो दोस्तों पॉलीमॉर्फिज्म पे है। और मैंने बताया था PHP में फंक्शन ओवरलोडिंग, यानी ओवरलोडिंग होता ही नहीं है, चाहे वो फंक्शन का हो
चाहे वो कंस्ट्रक्टर का हो, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने ओवरलोड करने की कोशिश किया है दोस्तों। तो या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। तो मैं इस वाले को, डिफ़ॉल्ट वाले को अभी कमेंट कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, मैंने कमेंट कर दिया। तो अब दोस्तों, अब जो है यहाँ पर कंट्रोल एस सेव कर लिया मैंने। ओके दोस्तों, तो अब ये कॉल हो जाएगा। अब रन कराइएगा तो आपको एरर नहीं आएगी और आपका आउटपुट आ रहा है अनकाउट। अच्छा, आर्गुमेंट देखिए, टू फ्यू आर्गुमेंट्स यहाँ पर, रुकिए अभी मैं इसको हटा ही देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करता रहता है ना। तो मैंने इसको हटा दिया और इसको मैंने एन ही कर दिया। ओके दोस्तों, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसलिए वो फ्यू आर्गुमेंट आ रहा था। इसको रन करा दीजिए, देखिए सारे एरर चले गए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो चुका है दोस्तों, और साथ ही साथ आपका जो है नॉर्मल फंक्शन भी कॉल हो चुका है। दोनों कंस्ट्रक्टर दोस्तों एक साथ नहीं आ सकता है, लेकिन होते हैं दो, डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज, इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, आप अलग अलग प्रोग्राम बना सकते हैं, इसी में पॉलीमॉर्फिज्म को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ओके, जैसा इस कॉन्सेप्ट को बताए हैं, आप चाहें तो इनपुट भी ले सकते हैं इसका। ओके, वो भी कर सकते हैं, डिज़ाइन बनाकर पेज का आप इनपुट भी ले सकते हैं। अगर मुझे इनपुट लेना हो इसी में, तो मैं कैसे करूँगा, मुझे एक पेज चाहिए इनपुट का, तो वो मैं जल्दी से मैं लिख लेता हूँ, फाइल सेव एज, और नाम दे देते हैं इसको डिज़ाइन DES.php। ओके दोस्तों, और जल्दी से हम लोग यहाँ पर एक HTML का फॉर्म तैयार कर लें, HTML और /HTML। ओके दोस्तों, और यहाँ पर HEAD head/HEAD head। ओके, और यहाँ पर हमने लिख दिया टाइटल TITLE title /TITLE title, और हमने यहाँ पर लिख दिया DESIGN डिजाइन पेज। ओके दोस्तों, और यहाँ पर हमने लिख दिया बॉडी ODY, ठीक है। मुझे एक नंबर इनपुट लेना है, एज इनपुट लेना है, तो मैंने फॉर्म बना लिया FRM फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पर हेडिंग में H3 ले लेते हैं, H2, ठीक है, /H2। ओके, कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंटेशन CONSTRUCTOR कंस्ट्रक्टर IMPLEMENTATION इम्प्लीमेंटेशन हमने कर लिया। फॉर्म को यहाँ पर क्लोज FORM फॉर्म। ओके दोस्तों, FORM, और हमने इसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन बना लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे लिखा ENTER इंटर एज, यहाँ पे INPUT इनपुट, IP इनपुट टाइप। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमने लिख लिया TEXT टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पर नेम इक्वल डबल कोट्स एज ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर BR। ओके, फिर यहाँ पर INPUT इनपुट टाइप, और साथ ही साथ यहाँ पर SUBMIT सबमिट, नेम BTN वैल्यू दे दीजिए, VALUE वैल्यू इक्वल डबल कोट्स, और हमने दे दिया यहाँ पर क्लिक CLI सबमिट SUBMIT सबमिट हमने कर दिया दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्म को क्लोज करना है, वो भी हमने कर चुके हैं दोस्तों। ओके, हाँ, फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पास करनी पड़ेगी, हम जा रहे हैं यहाँ से कॉन्स पे, तो CONS ऐसे नहीं, ACTION एक्शन, और हमने लिख लिया CONS NS cons.php, और मेथड METHOD मेथड इज इक्वल टू, हमने दोस्तों दे दिया POST POST,
ओके दोस्तों, कंट्रोल एस कर लिया हमने, और अब जो है हमने यहाँ पर चलिए सेव कर लिया, डिज़ाइन तैयार हो चुका है, ये जहानपुर करेंगे। अब यहाँ पर आके हमें छोटा सा चेंज करना है, ये जो मैं 30 जो इनपुट ले रहा हूँ वहाँ से, तो वैल्यू वहाँ से आ रही है, तो दोस्तों अब इसे कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी, ओके, ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ और नीचे में यहाँ पर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट पोस्ट, और हमने सिंगल कोट्स में लिख दिया AGEH। ओके दोस्तों, कंट्रोल एस, वापस आ जाते हैं डिज़ाइन वाले पेज पे, आ चुके हैं डिज़ाइन, DES से रन कराइए, तो यहाँ पे आ गए और DES इंटर, तो इनपुट मांग रहा, मान लीजिए मैंने दे दिया इस बार 25, ओके, तो आ रहा है देखिए, इट इज़ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, योर एज इज 25। ओके दोस्तों, इस प्रकार हमने इनपुट लेके भी बना लिया। इनपुट लेके बनाना हो तो ध्यान रखना है कि आपको हमेशा डिज़ाइन वाले पेज से ही रन कराना है, ओके, फिर वो एज जो भी इनपुट करेंगे वो एज यहाँ पे आ जाएगा, वो एज फिर इसके अंदर आकर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा दोस्तों। ओके, अब हम लोग लौटते हैं उसी फाइल पे वापस। ओके, तो हम लोगों ने समझा पैरामीटराइज्ड और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करना है। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ हम लोगों ने इनपुट लेके भी हम लोगों ने देखा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वही लिखा है मैंने यहाँ पे कि टेस्ट ए जो है नॉर्मल फंक्शन है, उसे हमें कॉल करना पड़ा है, लेकिन कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी तक दोस्तों हमने जो भी बात किया वो बात किया दोस्तों यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर के बारे में, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर के बारे में, जिसमें दो हो गए पैरामीटराइज्ड और डिफॉल्ट। अब जो दोस्तों हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे प्रीडिफाइंड कंस्ट्रक्टर के बारे में। प्रीडिफाइंड कंस्ट्रक्टर जो है वो मैंने दिखाया था अभी आप में कुछ समय पहले दोस्तों, मैंने इमेज में आपको दिखाया था, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो कंस्ट्रक्ट के थ्रू हम लोग यूज करते हैं। ओके दोस्तों, और इसका फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है, फ़ायदा ये होता है कि देखिए अगर आप यूजर डिफाइंड यूज़ करते हैं तो इफ़ यू चेंज द नेम ऑफ क्लास देन यू हैव टू चेंज अगेन द कंस्ट्रक्टर नेम ऑल्सो। ओके, तो इससे बचने के लिए क्या है, कंस्ट्रक्ट यूज करिए जो आपको प्रीडिफाइंड दिया गया है दोस्तों। ओके, इसमें नाम चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एक दोस्तों बात मैं बता दूं, देखिए जब आपको प्रीडिफाइंड कंस्ट्रक्टर, गौर से सुनिए इस बात को आप, अगर आपका प्रीडिफाइंड कंस्ट्रक्टर और यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर अगर दोनों साथ में ही आप यूज करते हैं, उस केस में आपका जो प्रीडिफाइंड कंस्ट्रक्टर है वही सिर्फ कंस्ट्रक्टर का रोल प्ले करेगा और बाकी जो बच गए यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर वो आपका हो जाएगा नॉर्मल मेथड। ओके दोस्तों, लेकिन जब प्रीडिफाइंड कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तब वो कंस्ट्रक्टर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अगर उसी फाइल में अगर प्रीडिफाइंड कंस्ट्रक्टर भी आप यूज कर रहे हैं उसी क्लास के अंदर, तो आपका जो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है वो जो है नॉर्मल मेथड की तरह बिहेव करेगा। अब इस एग्जांपल से समझिए, सपोज करिए किसी घर में दो लड़की है, ओके, और बड़ी वाली दीदी का शादी हो चुका है और करीबन मान लीजिए 5 साल हो चुके हैं इस बात को। ओके, अब क्या है 5 साल बाद जब छोटी बहन की शादी हो रहा है, ओके, तो उस शादी के एनवायरनमेंट में जो बाराती जो आ रहे हैं उसका स्वागत के लिए ये जो बड़ा जो उस घर का जो सन इन लॉ है वो भी एक नॉर्मल सन की तरह बिहेव करेगा, तो उसे भी काम करना है उस घर के लिए। ओके, इस बात को मान लिया, और लेकिन जब उसकी शादी हो रही थी उसको वैल्यू उतना दिया जा रहा था, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि जब प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर होगा तो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर जो होता है वो नॉर्मल मेथड की तरह बिहेव करेगा। ओके दोस्तों, इट इज़ नॉन टू प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, इट इज़ बेटर देन यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इफ़ यू चेंज द क्लास नेम देन यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर ट्रीटेड एज अ नॉर्मल मेथड। ओके, और दोनों अगर यूज़ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ नोट में लिख भी रखा है दोस्तों, जो मैंने समझाया अभी आपको कि प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर एंड यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बोथ डिफाइंड इन द सेम क्लास देन प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर ट्रीट
like a constructor while user defined constructor treated as a normal method. ओके दोस्तों हमेशा आप याद रखिए इस कॉन्सेप्ट को. ओके तो यहाँ देखिए एक कॉल करना पड़ा है हमें. गौर से अगर देखेंगे यहाँ पर दिस इज अ प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर सिर्फ यही आया है और यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर देखिए आउटपुट पे नहीं आया है. गौर से समझिए इसको. यहाँ पर ये जो है आपका स्क्रीन पर देखिए आउटपुट पे नहीं आया दोस्तों. ओके तो समझने वाली बात यह है कि अगर दोनों रहेगा तो आपका कंस्ट्रक्टर की तरह बिहेव कौन करेगा, हमेशा प्री डिफाइंड. अगर इसी में चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर अगर बात करते हैं वापस आ जाते हैं. अब यहाँ पे देखिए अभी तो आपका ये इनपुट लगे कर रहे हैं. अब इसी में सपोज करिए अब मैं यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिया फंक्शन एफ यू एन सी टी आई ओ एन फंक्शन दो बार अंडरस्कोर सी ओ एन एस टी आर यू सी टी कंस्ट्रक्ट. ओके दोस्तों और मैंने ये जो सारा काम है कंट्रोल सी और इसके अंदर पास किया और लिखा इट इज़ अ पैरामीटराइज्ड मेट्राइज्ड प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर प्री डी ई एफ आई एन ई डी प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर. ओके दोस्तों अब देखिए ये कॉल नहीं होगा पैरामीटराइज्ड यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर यूजर डिफाइंड डी ई एफ आई एन ई डी डिफाइंड कंस्ट्रक्टर. ओके दोस्तों हमने दोनों को कॉल किया है और यहाँ पर सिर्फ टेस्ट ए को भी कॉल कर रहे हैं दोस्तों. ओके अब क्या होता है ज़रा हम इस चीज़ को समझते हैं और यहाँ लिख दिया हमने डॉलर एज ए जी ई. ओके दोस्तों और सेव किया वापस आ गए हैं यहाँ पर. हमने कुछ नहीं चेंज किया ज़्यादा दोस्तों सिर्फ हमने एक प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है. ओके दोस्तों और ये भी आर्गुमेंट के साथ भी हो सकता है और बिना आर्गुमेंट का भी हो सकता है दोस्तों. अब मैं यहाँ पर आया ओके और सबसे पहले डिजाइन पेज पे चले हम लोग. रन तो वहीं से कराना है हमें अब. ओके स्लैश डी ई एस डी ई एस डॉट पी एच पी यू आर एल का ध्यान रखें दोस्तों ज़रूर. सपोज़ कीजिए इस बार मैंने दे दिया 20 और रन कराया. ओके दोस्तों देखिए क्या आ रहा है. इट इज अ पैरामीटराइज्ड प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर. देखिए यूजर डिफाइंड जो था वो दोस्तों कॉल नहीं हुआ है. उसको कॉल करने के लिए दोस्तों आपको अलग से लिखना पड़ेगा तभी ये कॉल हो सकता है अदरवाइज नहीं. यानी आपको इस प्रकार यहाँ पर डॉलर एन हाइफन फिर यहाँ पर एरो का साइन और कैपिटल ए और साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास कर 67 मैंने पास कर दिया. ओके कंट्रोल एस तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या यू आर कॉलिंग हेयर. मैं यहाँ लिख देता हूँ वाई ओ यू आर कॉलिंग सी ए डबल एल आई एन जी कॉलिंग हेयर एच ई आर ई हेयर यूजर डिफाइंड यू एस ई आर एफ आई एन ई यूजर डिफाइंड. ओके पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पी ए एम ई टी ई आर आई एस ई डी पैरामीटराइज्ड एन एस टी आर यू सी टी ओ आर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. ओके दोस्तों कंट्रोल एस हमने ये सेव कर लिया. अब दोनों ही कॉल हो जाएगा दोस्तों. ओके अब जो है डिजाइन से चलते हैं पहले डी ई एस यहाँ पर डी ई इंटर कर लिया. सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया 31. ओके सबमिट किया देखिए दोनों ही कॉल हो रहा है. इट इज अ पैरामीटराइज्ड प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर वो कॉल हो गया. इट इज अ पैरामीटराइज्ड यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर देखिए दोस्तों सारे ही अब कॉल हो रहा है आपका. ओके तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से ग्रैप कर लीजिए कि जब दोनों ही कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होंगे आपके फाइल में तो कंस्ट्रक्टर की तरह जो बिहेव करेगा वो सिर्फ प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर ही बिहेव करेगा और नॉर्मल कंस्ट्रक्टर जो है दोस्तों वो एज अ नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा. ओके अब वापस आते हैं इस वाले फाइल पे और देखते हैं. ओके इस वाले फाइल पर नहीं दोस्तों इस वाले फाइल पे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एक क्लास लिया है कैल
और फर्स्ट सेकेंड लिया दोस्तों, फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्टर कर ले चुका हूँ प्रीडिफाइंड ओके, और यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ इन दोनों के इनिशियलाइज किया ओके सिर्फ, और ऐड वाले में क्या कर रहा हूँ दोस्तों कॉल कर रहा हूँ ओके। अब इनपुट ले करना हो तो ये डिजाइन पेज है आपका ओके दोस्तों, और इसी में सेम है, और यहाँ पे सिर्फ क्या करें वही एक्स और वाई की वैल्यू मैंने पास कर दिया, फिर से दोस्तों वही आउटपुट आने वाला है ओके दोस्तों। अब बात करते हैं ऐसे तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ही है आपका ओके, थोड़ा पैरामीटराइज के बारे में और ज़्यादा हम जानते हैं ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आप आर्गुमेंट पास करते हैं तो हमारा बन जाता है पैरामीटराइज, ये आपका क्या कहलाएगा पैरामीटराइज, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों आगे ओके। तो बस ये ध्यान रखिए फाइल कि यहाँ पे भी नेम प्रोफाइल ले लिया गया है, उस दोनों को इनिशियलाइज कर दिया गया और फिर उसे शो मेथड पे क्या कर दिया गया डिस्प्ले किया गया है दोस्तों ओके। आगे बढ़ते हैं, अब जो भी देंगे उसके अकॉर्डिंग डेवलपर डिजाइनर जो भी नाम पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर नाम वगैरह सब आ जाएगा। यहाँ पर क्या नाम है दोस्तों अरुण ARUN ओके दोस्तों, हमने वो भी दे दिया कंट्रोल एस। अब बात करते हैं दोस्तों, अभी तक जो भी दोस्तों हम लोगों ने बात किया वो दोस्तों बात किया कंस्ट्रक्टर के बारे में, कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा था आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा था और कंस्ट्रक्टर खुद ही कॉल हो जा रहे थे जिससे आपके प्रोग्राम का परफॉर्मेंस इन्हेंस हुआ था, ये बेनिफिट था दोस्तों कंस्ट्रक्टर यूज करने से ओके। अब होता क्या है प्रोग्रामिंग में क्या बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उन सभी का यूज भी हो जाता है, लेकिन वो सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आपका कंप्यूटर का कहीं ना कहीं मेमोरी यूज कर रहा होता है ओके, जिससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस सिस्टम का डिग्रेड हो जाता है। तो उसको एनहेंस कैसे किया जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं दोस्तों ओके, डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं ठीक है। डिस्ट्रक्टर मेथड विल बी कॉल्ड एज सून एज देयर आर नो अदर रेफरेंसेस टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और इन एनी ऑर्डर ड्यूरिंग द शटडाउन सीक्वेंस ओके दोस्तों, यानी जब आप क्लोज करते हैं प्रोग्राम को तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कैसे कॉल करते हैं इसको इस प्रकार डिस्ट्रक्ट दो बार अंडरस्कोर लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्पेस मैंने दे दिया है, स्पेस देना नहीं है ये ध्यान रखना है, दो बार अंडरस्कोर है ओके, दो बार अंडरस्कोर ओके दोस्तों ठीक है। और कैसे कॉल करते हैं, कॉल वैसे ही करना है जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे थे, और बनाना भी सिर्फ डिस्ट्रक्ट लिख देना है ओके दोस्तों, सिर्फ क्या लिख देना है आपको डिस्ट्रक्ट लिख देना है, और आपका ऑब्जेक्ट जो भी बना हुआ रहेगा वो बाद में फिर फ्री हो जाएगा दोस्तों ओके, और आपका मेमोरी बच जाएगा। अगर इस ऑब्जेक्ट से चेक भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है, अगर आप डिस्ट्रॉय कर चुके हैं तो फिर बता देगा फॉल्स नहीं ओके दोस्तों। तो चलिए इसी प्रोग्राम को समझने के लिए डायरेक्ट मैं इसी प्रोग्राम को यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा ओके दोस्तों। तो मैंने क्या किया यहाँ तक आकर इसको कंट्रोल सी कर लिया, और चलिए वापस आते हैं यहाँ पर और DESC करके एक फाइल ले लेते हैं नया डिस्ट्रक्टर सेव एज, और यहाँ पे हमने DES destructuct.php और इंटर वैसे तो कंट्रोल भी कर लिया कंट्रोल एस कर लिया, और हमने इसको रन कराया दोस्तों कंट्रोल एस, और अब चलते हैं इसको यहाँ पर न्यू लाइन दे देते हैं ताकि हमें क्लियर दिख जाए हर जगह न्यू लाइन ओके दोस्तों, और यहाँ पे भी मैंने BR कर दिया ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजिंग लेयर प्रॉपर्टीज, हाँ बिल्कुल जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेगा ही करेगा। और अब हम यहाँ पर आए और DESTRUCT यहाँ पे दोस्तों आए और DESTRUCT destruct.php enter ओके दोस्तों। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नाउ वर्क इज गोइंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली, तो जो भी ऑब्जेक्ट मेमोरी लिया था तो डिस्ट्रॉय क्या करते हैं दोस्तों आपका मेमोरी को फ्री करने का काम करता है ओके। जो भी कंप्यूटर ने यानी ऑब्जेक्ट ने मेमोरी यूज किया था आपके सिस्टम का उस मेमोरी को क्या करता है यूज करने के बाद वो फ्री कर देता है ओके दोस्तों।
तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और कंस्ट्रक्टर दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओप्स का, ओके, इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, ठीक है। तो दोस्तों समराइज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हम लोगों ने सीखा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, प्रीडिफाइंड, यूजर डिफाइंड, उसके बाद फिर यूजर डिफाइंड के कितने टाइप होते हैं, प्रीडिफाइंड के कितने टाइप होते हैं, और इसको हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा बिना इनपुट के भी और विद इनपुट के भी, ओके दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़रूरी से शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी पहुंच सके जो वास्तव में PHP सीखना चाहते हैं, उन्हें भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, ओके दोस्तों। वीडियो देखने के लिए अगेन धन्यवाद, थैंक यू।